आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा कृष्ण जी का ये चोली बनाएंगे और हम इसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पे इनका ड्रेस स्टेप बाय स्टेप भी बतलाएंगे किस तरह से बनता है। 12 इंच के जुगल जोड़ी में ये चोली है दोनों का। तो चलिए इसका लंबाई हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई रहेगा ये 3.5 से 4 इंच तक आप रख सकती हैं। अब जैसे कि ये पूरा बन जाने के बाद में ऊपर की ओर भी थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पे गला में जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा जाएगा, तो थोड़ा सा हम 1/2 इंच जैसा छोड़कर यहाँ से नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका 4 इंच आना चाहिए लंबाई में, और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 3 इंच होना चाहिए। अगर आप इसे डबल देखेंगी तो 6 इंच हो जाएगा आपका। और ये बाँह जो आप देख रही हैं, बाँह यहाँ से यहाँ तक देखेंगी और यहाँ से यहाँ तक, दोनों में अंतर पड़ेगा। बाँह आप लोगों को हम दिखलाते हैं कितना लंबा होना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखेंगी बाँह तो 2.5 इंच होना चाहिए आपका बाँह का यहाँ से लंबाई, क्योंकि इस पर अभी आउटलाइन यहाँ पे लगेगा लगने बाकी है आउटलाइन, तो उसमें भी 1/2 इंच जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगी, इस स्थान से देखेंगी तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो आपको 4.25 इंच के लगभग इसका बाँह आएगा। अब आप अपने विग्रह की नाप देख लें कितना बड़ा है, कितना आपको बाँह चाहिए लंबाई में, इसमें उस अनुसार आप यहाँ पे बाँह बना सकती हैं। और इनका अगर आप चौड़ाई में देखेंगी तो देखिए ये 1.25 इंच आता है, इनका ये चौड़ाई आता है 1.25 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे जुगल जोड़ी का ये ड्रेस सॉरी चोली बनाकर तैयार किए हुए हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ से यहाँ तक दिखलाते हैं तो ये इनका चौड़ाई 3 इंच है। अब हम अगर लंबाई नापते हैं तो हम 1/2 इंच ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, देखिए 1/2 इंच आउटलाइन या जो भी डोरी बांधने के लिए हम देंगे तो वो 1/2 इंच यहाँ लेगा, तो इनका चोली का लंबाई आपको 4 इंच हो जाएगा। 3.5 से 4 आप रख सकती हैं, हम इस पे 4 इंच रखेंगे। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और दोस्तों धीरे धीरे हम इस पर आप लोगों को इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना भी बतलाएंगे, किस तरह से इनका ड्रेस बनेगा, दुपट्टा पगड़ी टोपी वगैरह सब कुछ टोटल चीज़ बतलाएंगे। तो फिर चलिए आज चोली बनाना हम जानते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम ये ऊन ले रखे हैं और हमारे क्रोशिया है 3 mm का, बहुत ही पुराना क्रोशिया है। इस पे हाथ हमारा बिल्कुल बैठा हुआ है इसलिए हम इसी से अक्सर बुनाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम सबसे पहले एक इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट लगा लेने के बाद में 24 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 चेन लेने के बाद बल लेंगे, एक दो तीन तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक दो चेन यहाँ पे हम बिच किए, दो चेन था, ये एक डबल क्रोशिया कहलाया और ये एक डबल क्रोशिया कहलाया। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम एक चेन से, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अब बीच में एक चेन लेंगे और फिर से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर से हम 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये रहा 3। तो हम 3 अलग अलग चेन से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर एक बीच में चेन लेंगे, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें करना क्या है, बैक साइड के लिए 6 डबल क्रोशिया बनाना है 6 अलग अलग चेन से। तो चलिए बना लेते हैं, 1, ये रहा 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए हम यहाँ सबसे पहले 3
डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग तीन चेन से तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बनाए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाना है, ये रहा एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन ले लेंगे और फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये हो गया। अब तीन अलग अलग चेन से एक एक चेन से तीन डबल क्रोशिया, जैसे कि देखिए ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, अलग चेन में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, फिर से अलग चेन एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, तो तीन डबल क्रोशिया हो गया हमारे यहाँ पे। एक चेन से दो डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से बल लेंगे, बल लेकर हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बीच में डालें और फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पे। अब हम तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम एक बार और आप लोगों को यहाँ पे बतला दें, यहाँ सबसे पहले हम तीन डबल क्रोशिया बनाएं, ये एक यहाँ पे चेन है जो डबल क्रोशिया का काम करता है, दो तीन, इसके बाद एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएं, फिर तीन डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएं, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएं, फिर छः डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएं, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन अलग अलग तीन चेन से तीन डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में तीन डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप दो चेन ले लीजिए, दो चेन लेने के बाद पलट लीजिए, इस तरह से हम यहाँ पे पलट लिए और पलटने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे जैसे हम कान्हा जी का चोली में बनाते हैं। देखिए यहाँ जो तीन था अब चार हो गया हमारे पास में, ये एक, देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, अब बीचों बीच में इस स्थान से हम फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे इस लाइन में चार जगह इस तरह से आता है, एक ये जो हम बना लिए, दूसरा ये बना लिए, तीसरा यहाँ पे, सॉरी बनाए नहीं है अभी, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो चारों जगह पे हम बढ़ाते चले जाएंगे इसी तरह एक चेन से दो डबल क्रोशिया करते हुए, और इसे हमें चार लाइन में बुन लेना है। तो चलिए फिर हम इसे चार लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये अभी हमारा यहाँ पे दूसरा लाइन चल रहा है, तो दूसरा लाइन में भी देखिए बीच में जो एक पर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे, जैसे कि देखिए एक पर एक डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन पर एक। अब ये जो आया जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। तो बस इसी तरह से ये हो गया एक दो, दो चेन आपका दो यहाँ पे हो जाता है जाली आपका, ये हम चार जाली तक बनाएंगे, इसके बाद आगे हम बांह घटाना आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा ये चार जाली इस लाइन पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट का दो डबल क्रोशिया मात्र बाकी था हमारा, ये हो गया। अब एक दो, दो चेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चार जाली हमारा यहाँ कंप्लीट है, ये हो गया एक दो तीन और एक चार, तो चार जाली हम इसी तरह कंप्लीट कर लिए। देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, सीधा तरफ से देखिए, सीधा तरफ से ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, तो हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब अगला हमें बांह यहाँ पे निकालना है, तो बांह हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया दूसरा चेन हम बुन लिए यहाँ पे, दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पांच, ये छः और एक बनाएंगे यहाँ से सात डबल क्रोशिया। देखिए सात डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएं। अब हमारा यहाँ आ गया एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाने वाला स्थान, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सबसे पहले बना लिए, इसे हम दो पास में ही रखेंगे, अभी हम इसे पूरा नहीं बंद करेंगे, और बल लेंगे, देखिए बल ले चुके हैं। अब इसे हम यहाँ के बाद सीधे यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना किस तरह से है, देखिए ये भी हम दो बना लिए, अब सीधे एक चेन लेंगे, एक में हम तीनों को एक साथ इस तरह बंद कर देंगे,
ये हमारा हो गया एक बाँह, यहाँ पे हमारा निकल गया। अब इस बाँह में हम फिर जितना लाइन हमें बुनना है बुनेंगे। सबसे पहले हम इसे दूसरा बाँह भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 2, 3, यानी कि हमें यहाँ तक हमें बुनते चले जाना है। जो भी डबल क्रोशिया है एक पर एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बुन कर ले आएँ, ये एक बाँह हमारा निकल चुका है, बुन कर यहाँ तक ले आएँ। अब यहाँ पे हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम पिछले बार आप लोगों को यहाँ पे सिखलाएँ। एक डबल क्रोशिया बुन लिए, पूरा नहीं बुने हम, बल लेंगे और फिर इस पे हुक को डालेंगे और फिर से ये दो फंदा को इस तरह बनाएंगे। अब हमारे पास 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। अब बाकी जो बचता है आगे पल्ला में सामने में इसे हम बुन लेंगे। फिर से वापस जाएंगे, 1, 2, 3, 3 चेन लेते हुए वापस जाएंगे। अब यहाँ पे हम जितना भी डबल क्रोशिया है एक पर एक बुनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मात्र 2 लाइन बुनना है आपको, इसे हम मात्र 2 लाइन बुनेंगे। बस एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बुने। अब इस पे हमें इस ढंग से लाना है, बुन लेना है, बराबर हो गया बिल्कुल। तो चलिए इसे हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एक लाइन और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे आप लोगों को हम बाँह बुनना बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम तैयार कर लिए, हमारा ये कंप्लीट हो गया। 1, 2, 2 लाइन यहाँ पे हम बुन लिए। 2 लाइन बुनने से ये चोली का लंबाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वो हम आप लोगों को लास्ट में लंबाई भी बतला देंगे कितना इसका लंबाई है कितना चौड़ाई है। अब हम चलिए सबसे पहले इसका बाँह बुन लेते हैं। तो देखिए बाँह बुनने के लिए हम यहाँ पे ऊन को कट नहीं किए हैं, देख सकते हैं आप, ऊन को हम कट नहीं किए क्योंकि इसमें हमें घेरा बुनना है। तो हम अलग ऊन लगा लिए हैं यहाँ पे और इसे हम यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ लिए, एक चेन ले लिए। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ से सबसे पहले इस स्थान से लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ भी ले लेंगे एक डबल क्रोशिया, इस चेन से भी ले लेंगे हम एक डबल क्रोशिया और इसके बाद हम यहाँ से भी लेंगे इस तरह से। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इसे इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि हमें एक लाइन यहाँ पे नहीं बनाना है, 4 लाइन बना लेना है और पांचवा लाइन जो हमारा रहेगा वो आउट लाइन, यानी कि जो हम दूसरे कलर से इस पे डालेंगे आउट लाइन, वो रहेगा पांचवा लाइन। फिलहाल हम यहाँ पे 4 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। वो जैसे जैसे हम पोशाक बनाएंगे यहाँ पे वैसे वैसे आप लोगों को इस पे हम बतलाते चले जाएंगे किस तरह से यहाँ पे आउट लाइन देना है। तो देखिए ये हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर यहाँ से यहाँ तक ले आएँ, एक अब यहाँ बना लेंगे हम इस तरह से, पूरी गोलाई में बन गया ये, देख सकती हैं आप। अब इसे हमें यहाँ लाकर जोड़ लेना है, इस पे लाकर जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब 1, 2, 2 चेन ले लिए। अब यहाँ अगला चेन से बल लेकर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो इसे भी इस लाइन को भी हम दूसरा लाइन को बना लेंगे, फिर यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, चौथा बनाएंगे लाकर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बाँह में हम 4 लाइन इसे बनाएंगे, इस बाँह में भी 4 लाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बाँह हमारा यहाँ पे 4 लाइन बना लेने के बाद दोनों तरफ तब हम आप लोगों को दिखलाते हैं।
इस तरह से देखिए ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनकर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे इनका पूरा घेरा बनाएंगे तो आउटलाइन यहाँ देंगे, गले पे देंगे और इस साइड में भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।